माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, और वह टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन वहाँ हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक के बारे में बताया था, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवांस के बारे में बताएंगे। शायद ही आपने इससे पहले कहीं पढ़ा हो। इसमें हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 11 प्रकार से डिफरेंट यूज हैं। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। यानी वह वाक्य जो कि हमारी डेली रूटीन, जो कि दिनचर्या हमारी, जो काम करते हैं, हैबिचुअल एक्शन जिनको हम करने के आदि हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य होता है, या ऐतिहासिक कोई घटना है जो व्यक्त की जाती है, उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट वाक्य कहते हैं। पहचान देखिए, अधिकांश ये वाक्य ता है, ती है, तो हूँ आदि शब्दों से समाप्त होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ता है, ती है, ते है वाला शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। कुछ ऐसे टेंस भी होते हैं जो हमें देखने में फ्यूचर लगते हैं लेकिन वो बनाए प्रेजेंट में जाते हैं। तो इसी प्रकार के टेंसों का आज हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से टेंस हैं जो कि देखने में पास्ट हैं लेकिन बनते प्रेजेंट में हैं, और जो देखने में फ्यूचर हैं लेकिन बनाए जाते वो प्रेजेंट में हैं। आइए हम ऐसे टेंसों का, ऐसे सेंटेंसों का अध्ययन करते हैं। कि तातीते वाले शब्द हमारे अधिकतर इनमें आता है। स्ट्रक्चर हमारा है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में हमारे ये सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, नेम्स, जो भी नाम्स हैं उनका फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब्स दोज एंड विद, यानी वे क्रियाएं जो डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड से समाप्त होती हैं उनमें हम ई एस जोड़ देते हैं। जो क्रियाएं इन लेटरों से समाप्त नहीं होती हैं उनमें केवल एस जोड़ते हैं। देखो उनके एग्जांपल्स, वह क्रिकेट खेलता है, देखिए ता है आ रहा है, एक्शन भी इसमें खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही सिंगुलर है, प्लेज एस लगा दी हमने, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लगाया पहले हमने, फिर उसमें वाव लगाई, फिर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगा दिया। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब कौन निकलता है, सूर्य सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये राइजेज सूर्य फर्स्ट पर्सन है वो, सूर्य हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश में एस ई एस लगा देंगे इन द ईस्ट। प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एस और ई एस नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि वे दौड़ते हैं, दे रन, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले। नेगेटिव वाक्य में क्या करते हैं, नहीं वालों में डज नॉट और डू नॉट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर नेवर आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगाते हैं। जैसे देखिए, वह कभी दिन में नहीं सोता है, ही नेवर स्लीप्स इन द डे, ही हमारा सिंगुलर है तो नेवर के साथ एस लगा दिया, स्लीप्स इन द डे। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ही सिंगुलर है हमारा तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, लेकिन डू नॉट डज नॉट के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। वे घूमने नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू वॉक, दे जो प्लूरल है प्लूरल के साथ डू नॉट आया, दे डू नॉट गो टू वॉक। इंटरोगेटिव हैं जो क्या से शुरू होते हैं, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस आएगा, ये सबसे पहले लगाया जाता है।
इसका फॉर्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी डू डज में से एक, फिर सब्जेक्ट लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे क्या वह रोज नहाता है, डज ही टेक अ वॉथ डेली, डज ही टेक अ बेथ डेली। आप डज सिंगुलर है इसलिए लग गया, टेक वर्ब है इसमें, बेथ मना ये ऑब्जेक्ट है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू स्टडी इंग्लिश डेली। अब कुछ वर्ड हमारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, अगर वो वाक्य के कहीं भी है बीच में हो तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लगा जाएगी, उसके बाद डू डज का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला इसका है, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, प्लस डू डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, अब कहाँ इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड है, इसको आ जाएगा वेयर डू यू लिव, यू प्लूरल है हमारा तो डू आएगा वेयर डू यू लिव। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट यूजेस हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो कि बिल्कुल अलग हैं। वो देखिए वो कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पहला हमारा है रूटीन एक्शन। रूटीन मतलब जो रोज़ाना हम कार्य करते हैं, जो हमारी रूटीन में है उनको हम रूटीन एक्शन कहते हैं। तो देखिए हमारा है पे नंबर एक है, द टीचर टीच ग्रामर, यानी अध्यापक ग्रामर पढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है इसलिए वो प्लूरल है, टीच लग गया। वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, ये भी हमारा क्या है डेली रूटीन है। ही टाइप्स लेटर्स, वह लेटर टाइप्स करता है। द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, तो ये प्यून का कार्य है, ये भी डेली रूटीन है उसका। आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे, यानी मैं अपनी ऑफिस रोजाना जाता हूँ, तो ये हमारे डेली रूटीन के सेंटेंस हैं। अब देखिए कुछ हमारे हैं हैबिचुअल एक्शंस, जिनको करने की हमें आदत हो गई है या जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है। वह देखिए, शी प्लेस वो, शी टेक्स टी, यानी वह चाय पीती है। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। आई टेक टी, यानी मैं चाय पीता हूँ। ही स्मोक्स फ्रिक्वेंटली, यानी वह कभी कभी धूम्रपान करता है। शी ईट्स फ्रूट, वह फल खाती है, तो ये क्या है उसकी हैबिचुअल एक्शन है। अब देखिए थर्ड में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जो कि नेचुरल घटना होती हैं या जो कि प्राकृतिक घटना है वो हमेशा सच होती हैं, तो वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती हैं। पहला है हमारा देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्राकृतिक घटना है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हीट एक्सपेंड्स एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट्स मेटल, यानी ऊष्मा यानी गर्मी धातुओं को बढ़ाती है और सर्दी धातुओं को जो क्या है सिकुड़ देती है, तो ये भी एक नेचुरल घटना है हमारी। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, तो ये भी एक सही घटना है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य मेहनत करने वाले बहादुरों का साथ देता है या मेहनत करने वालों का साथ देता है। वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है या बॉयल होता है। द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयस, गंगा हिमालय से निकलती है, ये सभी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जो कुछ घटना ऐसी ऐतिहासिक घटना होती हैं जो देखने में तो पास्ट लगती हैं लेकिन उनका वर्णन हम प्रेजेंट में करते हैं। देखिए नंबर एक में, राम फाइट्स अगेंस्ट रावण एंड किल्स हिम, तो राम ने रावण से लड़ाई की और उसे मार दिया। तो देखो पास्ट की घटना है ये लेकिन इसका प्रेजेंट हम प्रेजेंट में करते हैं, ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट है। अशोका इन्वेड्स कलिंगा एंड अचीव्स विक्ट्री, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, और देखो पास्ट की घटना है लेकिन वर्णन इसका किस में कर रहे हैं प्रेजेंट में कर रहे हैं। अशोका इन्वेड्स, द ब्रिटिश कम टू इंडिया एज मर्चेंट लेटर बिकम रूलर, अंग्रेज भारत में
व्यापार करने के एक व्यापारी के रूप में आए थे और लेकिन बाद में वे शासक बन गए। तो यहाँ पास्ट की घटनाएँ किस में बता रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं। इंडिया बिकम्स फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन पास्ट की घटनाएँ, लेकिन इसका विवरण हमने प्रेजेंट में किया है, सिंगुलर में एस ई एस लगा देंगे। बाबर क्रॉस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोजेज हिम विथ लार्ज आर्मी। बाबर ने मैदानों को पार करके इंडिया में प्रवेश किया और इब्राहिम ने उसका बड़ी सेना के साथ विरोध किया। तो ये भी एक घटना किसकी है, अभी तो उसने पार किया नहीं, पुरानी घटना ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसका वर्णन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट, जो कि देखने में पास्ट लगती हैं लेकिन उनका वर्णन हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। हमारे ऐसे फ्यूचर एक्शन होते हैं जो कि भविष्य में उनका होना तय है, जो कि पहले से उनके बारे में हम कह चुके हैं कि ये काम इतने बजे होगा। अगर डेफिनेट एक्शन है वो, उनके बारे में पहले से ये डेफिनेट कर दिया गया है कि ये काम इतने बजे होगा, तो वो जितने भी एक्शन है वो फ्यूचर के होंगे हिंदी में, लेकिन उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, माय फादर कम्स होम टुडे एट 9 PM, यानी मेरे पिताजी आज शाम को 9 बजे घर पर आएंगे। अब आएंगे फ्यूचर एक्शन बता रहा है, लेकिन डेफिनेट है वो, टाइम दे दिया उसने कि 9 बजे आएंगे शाम को। PM देखो, ये हमेशा छोटे में लिखे जाते हैं, इनकी ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाएगा अगर बड़े में आपने लिख दिए तो। इनका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी दोपहर के बाद। ही गोज़ टू डेली नेक्स्ट वीक, यानी वह अगले महीने दिल्ली जाएगा, ये भी फिक्स है पहले से, तो इसलिए फ्यूचर है, लेकिन बनाया किस में गया है, प्रेजेंट में। ही गोज़ टू डेली नेक्स्ट वीक। स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई, स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे, खुलेंगे फ्यूचर, अभी खुले नहीं है, खुलेंगे, लेकिन किस में बनाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी फिक्स है, पहले से हो चुका है कि 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। प्राइम मिनिस्टर कम्स आगरा ऑन 14th March, प्रधानमंत्री 14 मार्च को आगरा आएंगे। तो ये उनका कार्यक्रम पहले से तय है और फिक्स कार्यक्रम है, इसलिए ये घटना हमारी फ्यूचर की है, लेकिन अभी आए नहीं है, आएंगे, लेकिन इनका वर्णन हम प्रेजेंट में किया है, कम्स। वी लीव बाय द 8:30 AM ट्रेन, हम सुबह 8:30 बजे की ट्रेन से जाएंगे। अभी गए नहीं है, जाएंगे, लेकिन ये फिक्स हो चुका है कि हमेशा हमारे पास टिकट है, उसकी कंफर्म टिकट है, तो इसलिए हम ये पहले से कह रहे हैं कि हमें जो क्या है 8:30 बजे की ट्रेन से जाना है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कुछ पास्ट में लगते हैं, कुछ प्रेजेंट में हैं, देखने बड़े विचित्र लगते हैं, लेकिन उनका वर्णन हम सभी का प्रेजेंट में करेंगे। अभी तो इसका एक पार्ट और रह गया है, तो जिस व्यक्ति जो भी इसको देखें, तो पहले हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भविष्य है उस पार्ट को देखें, उसके बाद इसको समझ में आएगा। ये जिस अच्छा जो भी हमारा चैनल जैसे अच्छा लग रहा है, उसमें लाइक करें से और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा जो नॉलेज है वो और लोगों तक दूर दूर तक पहुँच सके। धन्यवाद।